أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے فجر کی اس مبارک نماز کے اندر سورہ اعراف کی پہلی رکعت میں سورہ اعراف کی جو آیات تلاوت کی گئیں انہی میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کچھ بنیادی اور اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہم سب کی زندگی میں نہایت ہی اہم ہیں. چنانچہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسوں کو پیدا کیا. اللہ نے انہیں دل دیا ہے لیکن اس دل کے ذریعے سے وہ سمجھتے نہیں. اللہ نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. اللہ نے انہیں کان دیے ہیں لیکن ان کانوں کے ذریعے سے وہ سنتے نہیں ہیں. یہ لوگ چوپایوں کی طرح سے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ لوگ حقیقت میں غافل ہیں. یہ ہے آیت کریمہ کا سادہ سا مفہوم جو ابھی پڑھی گئی. اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اللہ نے جہنم میں جانے والوں کے لیے چند صفات کا ذکر کیا ہے. کہا بہت سارے جن اور بہت سارے انسان ہم نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد چند صفات کا تذکرہ کیے. گویا کہ یہ باتیں اگر کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہوں تو خطرہ ہے کہ وہ شخص مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کتنی باتوں کا اس میں تذکرہ ہے جو باتیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب, بلکہ جہنم ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا, ایسا آیت کریمہ کا آغاز ہے. یہ کل کتنی باتیں ہیں؟ ایک, دو, تین. کتنی ہیں یہ؟ کیا کیا ہیں یہ تینوں؟ دل, دوسرا آنکھ, تیسرا کان. تین کا اللہ نے تذکرہ کیا, دل, آنکھ اور کان. جسم کے اعضاء میں ان تین کا اللہ نے تذکرہ کیا. زبان بھی تو ہے پر اس کا ذکر نہیں آیا, بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے جسم کے
दो हिस्सों की हिफाजत कर ले तो मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूँ। मा बैन लहयैही व मा बैन रिजलैही, दोनों जबड़ों के बीच में और दोनों पैरों के बीच में, यानी ज़ुबान और शर्मगाह। अगर कोई इसकी ज़मानत ले ले, उसका गलत इस्तेमाल ना करे, तो नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उसके लिए किस चीज़ की ज़मानत लेता हूँ? जन्नत की। पर इस आयत करीमा में उन दोनों की तरफ बिल्कुल कोई तज़किरा और उसका कोई इशारा नहीं है। क्या वजह हो सकती है? कि सिर्फ तीन आज़ा का अल्लाह ने यहाँ ज़िक्र किया, बाकी आज़ा का यहाँ कोई नाम तज़किरा नहीं है। और उसी तीन पर इत्तेफाक किया। एक और आयत करीमा में पढ़ता हूँ, उस पर भी गौर करेंगे तो कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया वजअल लकुम अस्समअ वल अबसार वल अफिदा लअल्लकुम तशकुरून। कि अल्लाह ने आप तमाम को माँ के पेट से पैदा किया, तुम कुछ नहीं जानते थे, और तुम्हारे लिए बनाया, दिल बनाया, कान बनाए, आँखें बनाई, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कर सको। थोड़ा और करीब करीब हो जाएं। अब इस आयत करीमा को भी मिला करके अब कोई नतीजा निकाल सकते हैं। यहाँ भी तीन ही का तज़किरा है, यहाँ भी उन्हीं तीनों का तज़किरा है कि नहीं? तीनों का, जिन तीन का तज़किरा यहाँ आया था, उन्हीं तीन का तज़किरा इस आयत करीमा में भी है। कुछ क्लियर हुआ? क्या वजह हो सकती है? एक बेहतरीन चीज़ है, लेकिन क्या शुक्रगुजारी के लिए ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? इअमलु आला दाऊद शुक्रा व क़लीलु मिन इबादी शकूर। इअमलु अमल ज़ुबान से हो या जिस्म से, बेशक शुक्रगुजारी इन आज़ा के ज़रिए से मकसूद है, लेकिन शुक्रगुजारी के लिए सिर्फ यही आज़ा क्यों है? और भी आज़ा हैं। और क्या वजह हो सकती है? है बेहतरीन वजह। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? है इसके अंदर। दोनों को मैंने इसलिए इकट्ठा किया कि बातें क्लियर हो जाती हैं, दोनों को इकट्ठा करने के बाद बातें क्लियर हो जाती हैं। जो लोग भी माँ के पेट से पैदा होते हैं, आलिम बनकर के पैदा होते हैं या जाहिल बनके? आलिम होते हैं या जाहिल? कितनी खबरें हमने सुनी और आपने भी सुनी होंगी कि हाफिज़ कुरान पैदा हुए। हिकायात आप सुनते रहिए, बहुत सारे जगहों पर हिकायात सुनने में आती हैं, बयान करने वाले बयान करते हैं कि जब वो फला पैदा हुए थे तो हाफिज़ कुरान थे और उन्होंने इतने पारे याद कर लिए थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? कहा अल्लाह ने आपके दिलों को ऐसा बनाया ही नहीं कि ये सब चीज़ें आप समझ पाएं। आप इस तरह की करामतों को नहीं समझ पाएंगे। इस कदर आप गुस्ताख हैं कि ऐसी चीज़ें आपके समझ में आ ही नहीं सकती। आप कहाँ से इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे?
इस तरह की कुछ बातें कही जाती है, क्या सही है? नहीं हो सकता, वो हकायत नकल कर रहे हैं और आप कह रहे नहीं हो सकता। यानी ऐसा कुछ लोगों का हुआ है, नहीं हो सकता ऐसा कुछ लोगों का, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत गौर फिक्र में है, इतनी भी संजीदगी अच्छी नहीं। ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ऐसा हो क्यों नहीं सकता? भाई अल्लाह का फजल है, वो जिसको चाहे नवाज दे, नवाजने वाला है, उसके खजाने में कुछ कमी है क्या? उसने दे दिया, हमें क्या एतराज है, हमें क्यों तकलीफ है? नहीं होगा, हो सकता है? ये नामुमकिनात में से है। ऐसा मुमकिन ही नहीं। क्यों नहीं मुमकिन है? क्योंकि आयत करीमा में रब्बे करीम ने क्लियर कर दिया। क्या क्लियर किया? माँ के जो पेट से जो भी पैदा होगा, अल्लाह ने कहा ला तअलमून शैअन, ला तअलमून नकरा फी सियाकिन नफी अलल उमूम, यानी कोई भी शख्स जो माँ के पेट से पैदा हो रहा है कुछ जान ही नहीं सकता, कुछ भी शयन अकेले में नकरा है जो अमूम पे दलालत करता है, और जब नफी के सियाक में आ जाए तो मजीद ताकीद हो जाती है कि कुछ भी मामूली से मामूली चीज़ भी नहीं जानता। रब्बे करीम से टकराने वाला अगर हिकायत रहेगा तो कबूल होगा। रब्बे करीम के साफ और सरीह फरमान से अगर हिकायत टकरा जाए तो किसको मानेंगे? रब का कलाम। और क्या हमें नहीं मालूम कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके कोई जात नहीं है? आप भी तो पैदा हुए थे माँ के पेट से, ऐसी कोई हिकायत आई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से? ऐसा कुछ किसी भी नबी के हवाले से, बहुत सारे अंबिया आए, किसी भी नबी के हवाले से कि वो माशाल्लाह पैदा होते ही इतने बड़े आलिम थे? ऐसा नहीं है। ये रब्बे करीम का कानून है और इस कानून के लिए इस रुए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही सिस्टम बनाया है, यही तरीक़ा रखा है। इससे एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो दोनों आयात की रोशनी में क्लियर तौर पर सामने आ सकती है, वो ये कि इंसान के अंदर जहालत ही असल है, इल्म नहीं। इल्म को जितना हासिल करेंगे उतना हिस्सा जहालत का हमारे अंदर से कम होगा। जितना इल्म हासिल करेंगे, इल्म आएगा नहीं खुद से, इल्म के पास जाना होगा, इल्म को सीखना होगा, कोशिश करनी होगी, तो इल्म का उतना हिस्सा हमें आ सकता है। तो जितना हिस्सा इल्म का हम कोशिश करेंगे, अल्लाह के फजल से वो चीज़ हमें हासिल होगी, उतना हिस्सा जहालत का हमारे अंदर से कम हो जाएगा। और ये सिस्टम अल्लाह ने हमारे अंदर बना दिया है कि हम अपने अंदर से जहालत को दूर कर सकें। रब ने हमारे अंदर सिस्टम बनाया हुआ है, हर इंसान के अंदर जिसको भी पैदा किया अल्लाह ने, उसको ये सिस्टम अल्लाह ने दिया ही है कि जहालत तो असल है आपके अंदर, पर आपके इख्तियार में है, आप अगर चाहें तो इसमें से जितना चाहें कम कर सकते हैं, चाहें तो उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये आपके इख्तियार पर है, आपके माँ बाप के इख्तियार पर है, आपके समाज के इख्तियार पर है, वो कितनी कोशिश करते हैं जहालत के हिस्सों को दूर करने के लिए। तो अल्लाह कैसे, क्या सिस्टम बनाया हमारे अंदर,
क्या हमने आपको दिल दिया है, हमने आपको आंखें दी हैं, हमने आपको कान दिए हैं, यही है रास्ते इल्म के आने के। बच्चा पैदा होता है तो क्या बोल सकता, लेकिन कान उसका खुला हुआ रहता है, सब कुछ वो सुनता है। जो भी आप बोलेंगे, घर में अगर तिलावत लगी हुई है, माँ जो कि बच्चे से बहुत ज़्यादा करीब होती है और माँ को पहला मदरसा कहा जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि महीने नहीं कई कई साल तक वो उसी गोद के अंदर रहता है, तो उसका कान भी खुला रहता है, आंखें भी खुली रहती हैं। आंखों से माँ का ज़्यादा और बाप का भी बहुत सारा हिस्सा वो सुनता भी है और देखता भी है, यानी कैच करता है। कैच करने का ये सिलसिला जारी रहता है गरचे वो अभी तक बोलने के काबिल नहीं हुआ। सारी चीज़ें कैच हो रही हैं, और ये जमा कहाँ होता है, सीने के अंदर, दिल के अंदर ज़खीरा हो रहा है। सप्लाई कान के रास्ते से, सप्लाई आँख के रास्ते से हो रही है। अब अगर कान के रास्ते से तिलावत की आवाज़ आ रही है, माँ कुरान पढ़ रही है, बाप कुरान पढ़ रहा है, भाई बहन कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो सुन रहे हों, नफा बख्श चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है, सुन रहे हैं, तकरीरें हैं, तफसीरें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बड़े लोग जितना इस्तिफादा कर रहे हैं, वो छोटा बच्चा भी अपने कान के रास्ते से उन सारी चीज़ों को सुनता है, और उसके यहाँ वो सब चीज़ें ज़खीरा होती रहती हैं। ये सिलसिला जारी रहता है। माँ खड़ी होती है नमाज पढ़ने के लिए और सुन्नतें पढ़ने के लिए बाप भी खड़ा होता, आँख के ज़रिए से ये मुशाहदा हर रोज़, वो छोटा सा नन्ना सा बच्चा हर रोज़ वो मुशाहदा करता है। अच्छा, मेरे वालदेन कर रहे हैं, जो सबसे करीब है मेरे नज़दीक वो लोग ये काम कर रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे काम, अच्छे अच्छे काम उस घर के अंदर अंजाम पाते हैं। इसी को ईमान कहा जाता है, इन्हीं सारे कामों को ईमान कहा जाता है। ये सारी की सारी जहालत को दूर करने वाली चीज़ें हैं जो इन दोनों रास्तों से उस बच्चे के दिलो दिमाग तक आ रही हैं। तो जितने अच्छे काम और भले काम या बातें इन दोनों रास्तों से दिलों तक पहुंच रही हैं, जहालत के हिस्से उसी कदर उस बच्चे से दूर होते चले जाते हैं, और बाद में जब वो बड़ा होता है, बोलने के लायक होता है, सोचने समझने के लायक होता है, तो वो सारी रील जो जमा हुई है एक एक करके चलती है उसकी ज़िंदगी में। ये सब कहाँ से तुमने सीखा, ऐसा ताज्जुब होता है घर वालों को, तुम तो ऐसी सोसाइटी में हो, तुम तो ऐसे इलाके में हो, ऐसे लोगों के बीच में हो, ये सब आया तुम्हारे अंदर कहाँ से। और वो भूल गए कि वही दोनों लड़ते थे घर के अंदर, और गाली गुलूच तक की नौबत आ जाती थी, और बच्चा सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता था, वहाँ सीखा उसने। आप कहते हैं घर के अंदर गाली गुलूच नहीं होता, उसी के सामने न मालूम कितनी बार आप लड़े, और कितना आपने उल्टी सीधी चीज़ें, कितनी सारी हरकतें। इसीलिए साहबी कहते हैं, ग़ालिबन अबू बरज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है, कुन्ना ग़िलमानन हज़ावरतन मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वकुन्ना नतअल्लमु अल ईमान क़ब्ल अल क़ुरआन।
الایمان قبل القرآن. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان قرآن سے پہلے سیکھتے تھے، یہ ہے ایمان جو سیکھ رہے تھے. ثم نتعلم القرآن فنزداد به ایمانا، پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے کا جب وقت آتا تو وہ ایمان جو ہم نے سیکھ رکھا ہے یعنی والدین کے ذریعے سے، وہ ایمان تازہ ہو جاتا تھا، اس میں اضافہ ہو جاتا تھا. اب کون سا ایمان سیکھا ہے انہوں نے؟ وہی ایمان جو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں اور ماں باپ نے اس کو عملی زندگی کے اندر اسے اپنایا ہے، اختیار کیا ہے، یا اس سے ہٹ کر کے اس کے خلاف. ہر شخص کے حصے میں وہی چیزیں ہیں جو اس گھر کے ماں باپ کے ذریعے سے بچوں تک پہنچتی ہیں. یہ ہے حکمت ان تین چیزوں کے ذکر کیے جانے کا، کیونکہ یہ سیکھنے کے راستے ہیں. یہ تینوں چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے دین میں سمجھ دے دیتا ہے. سمجھ کہاں سے انسان کے اندر آتی ہے؟ کس چیز سے سمجھتا ہے؟ دل سے. دل کو اللہ نے سمجھنے کے لیے، ڈیسیزن لینے کے لیے، خیر اور شر کو جاننے کے لیے اللہ نے دل کو کھڑا کیا کہ وہ ہر چیز کو سمجھ کر اور پھر ڈیسائیڈ کر کے وہ اشارہ دے، یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، اسے لینا ہے یا نہیں لینا ہے. وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں. وہ سردار ہے، سارے اعضاء کا وہ سردار ہے، جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے کہ اللہ نے دل کے اندر ایک ایسا جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا دیا ہے، ان فی الجسد المضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. وہ ٹکڑا اگر ٹھیک ہے تو باقی اعضاء بھی ٹھیک ہے، وہ نہیں ٹھیک ہے تو باقی اعضاء بھی نہیں ٹھیک ہے. کان اور آنکھ یہ دونوں تو دکھ رہا ہے، دل بھی دکھتا، دل انسان کے اختیار میں نہیں ہے. دل انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ جب چاہیے اس دل کے ساتھ وہ کام کیجیے، ایسا نہیں ہے. دل کس کے پاس ہے، کس کے اختیار میں ہے؟ انسان کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے؟ کس کا کس کا دل ہے، کس کے پاس دل نہیں ہے؟ کس کے پاس دل ہے؟ جس کے پاس وہ ہاتھ اٹھائے ہیں سبھی کے پاس ہیں. اللہ نے سورہ قاف میں فرمایا، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. قرآن نصیحت ہے صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہے. تو جو نصیحت نہیں حاصل کرتے کیا ان کے پاس بھی دل ہے؟ ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. جس کے پاس دل ہے نصیحت صرف وہی پکڑتے. تو دو حصے میں بٹ گئے لوگ کہ نہیں؟ اسی لیے میں نے پوچھا کس کے پاس دل ہے. ٹٹول کے دیکھیے، ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. دل انسان کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، جیسا چاہتا ہے پلٹتا ہے دلوں کو. کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے. یہ خطرناک چیز ہے. اگر دل کو ٹھیک کرنا چاہیں، جیسا کہ اس حدیث میں کہا گیا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک، اگر ٹھیک کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا، جب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟
भाई जो चीज अपने हाथ में है उसको जाए तो ठीक कर दें, अगर वो टेढ़ा हो रहा है तो सीधा कर दें, पैर इधर जा रहा है उधर कर दें, हाथ उधर जा रहा है इधर कर दें, आंख बंद हो रही है उसको खोल लें, खुली हुई है उसको बंद कर दें, लेकिन दिल को क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कोई तरीका हो तो बताएं, है कोई तरीका, कोई आइडिया है किसी के पास? जहालत को दूर कर दें, अमाल को अच्छे कर लें, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। इन्होंने बिल्कुल नब्ज ही पकड़ लिया, या मुकल्लिबुल कुलूब, जिसके हाथ में है उसके सामने बिछ जाए, उसको मनवा लें, ये एक अच्छा काम है, उसके अलावा भी काम है, ये एक अच्छा काम है, इसके अलावा भी कुछ काम है, और इन्होंने इशारा दिया अपनी गुफ्तगू में, जो आपके इख्तियार में है, जो ज़रा इसको जहन में नोट कर लीजिए, इसलिए कि कापी कलम तो है नहीं, जो आपके इख्तियार में है उसको क्या कर लें, जो आपके बस में है, आपके इख्तियार में है, उसे करने में आप पीछे न रहें, जो आपके बस में है, आपके इख्तियार में है, उसे आप कर गुजरिए, और जो आपके इख्तियार में नहीं है, रब के इख्तियार में है, आपके इस अमल के नतीजे में रब्बे करीम उस काम को आपके लिए अंजाम देगा। जहां तक आपकी पहुंच है आप कीजिए, और उसके बाद जहां रब्बे करीम ने अपने इख्तियार में ले रखा है, हमारे उस काम के नतीजे में जो हमारे बस और इख्तियार में है, उसके आगे के नतीजे को वो मुरतब करेगा, कितना परफेक्ट हमारा काम है, उसकी क्या नतीजे होनी चाहिए वो मुरतब करेगा। दिल के अंदर किसकी मोहब्बत और किसका बोझ हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम दिल में डाल लें, लेकिन हम जुबान से कह सकते, कान से सुन सकते, आंख से देख सकते, हाथ से पकड़ सकते, जो हम कर सकते हैं वो हम कर गुजरे, और जो नहीं कर सकते वो हमारा रब करेगा। ये एक अहम जाब्ता है, ये एक अहम जाब्ता है। इस जाब्ते के हिसाब से अगर कोई शख्स रब के बताए हुए नुस्खे के एतबार से, रब की पसंद के एतबार से, अगर उसने अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, अपने कामों को बेहतर रास्ते पर अगर उसने लेकर चलने की कोशिश किया है, गरचे दिल के अंदर अभी ऐसी कोई कैफियत नहीं थी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल की कैफियत को उसके मुताबिक बनाएगा। मिसाल के तौर पर फजर हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मस्जिद में आने के लिए दिल तैयार नहीं है, बड़ी मुश्किल से चलो वुज़ू बना लो, यहीं पढ़ लो, यहीं मतलब घर पर भी तो नमाज हो जाती है, यहीं पढ़ लो, और दूसरा यह है कि उठो, हिम्मत करो और मस्जिद तक चलो, जमात के साथ पढ़ लो, ये दोनों इंसान के इख्तियार में है कि नहीं, बस में है, इख्तियार में है, इख्तियार में, अगर वो चाहे और हिम्मत और हौसला अपना बाकी रखे तो कर सकता है, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। आंख खुलती नहीं है तो अपने हाथों से आंखों के इन हिस्सों को
पलकों को हाथों से रगड़ते हैं, रगड़ते हैं तब भी आंख ठीक से नहीं खुलती, फिर भी रगड़ते हैं और फिर आगे बढ़ करके पानी जब उस चेहरे पर मारते हैं तब आंख की पलकें खुल जाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों से अपनी दोनों पलकों को रगड़ते थे और कहते हैं इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार लायातिल लिउलिल अलबाब, 10 आयत है। ये काम इंसान कर सकता है, जब ये काम जो हमारा जिस्म नहीं चाहता और आप उसको कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि आपके रब की पसंद है, आपके रब का हुक्म है, तो वो चीज़ जो आपके दिल नहीं चाह रहे हैं अभी आगे चल करके ये चाहत उस दिल का हिस्सा बन जाएगी। समझ रहे हैं जाब्ता? आप अपने दिल के चाहत पर अगर चलेंगे तो दिल कभी अच्छा चाहता कभी बुरा चाहता और ज़्यादातर बुरा ही चाहता, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो काम इख्तियार करने लगता है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह उसके दिलों के अंदर सियाह नुक्ता डालता है, सियाह नुक्ता डालता है, सियाह नुक्ता डालता है, सियाह नुक्ता डालता है उसी दिल के अंदर, यहाँ तक कि पूरा दिल छा जाता है। और फिर ये कैफियत हो जाती है कि कान से आवाज़ आती है जो कि रास्ता था सीखने का, दिल डिसाइड लेगा, वहाँ पहुँच करके कोई चीज़ ठहर ही नहीं पाती है, इतना कालक हो गया है वहाँ पे कि वहाँ पहुँच करके वो कुछ डिसीज़न ले ही नहीं पाता, वहाँ जगह ही नहीं, उसके ठहरने के लिए कोई जगह ही नहीं। अब बताइए अल्लाह ने कहा लायक कहूँ नबी है, वो कैसे समझेगा? जब उसके अंदर जगह हो ठहरे तो फिर कोई चीज़ का डिसीज़न वो ले सके, वो ठहरने के बस ही में नहीं। ये इंसान के इख्तियार में जो है उसको ना करने के नतीजे में है, यानी जो अच्छे और भले काम इंसान के इख्तियार में है। कुरान नहीं चाहता दिल की पढ़ें, फिर भी हमारा रब चाहता है बस काफ़ी है, बैठ गए हम कुरान लेकर के, जुबान को बोल दिए पढ़ो, कान को बोल दिए सुनना है आज तो तिलावत सुननी है, लगा दिए तिलावत सुन रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं हम सुन भी रहे हैं, वो चीज़ें जो हमारा दिल नहीं चाह रहा, तबीयत चाहती ही नहीं है। और ख़ास तौर से जब इंसान की ज़िंदगी में गुनाह ज़्यादा आ जाते हैं तो और ज़्यादा नहीं चाहती है तबीयत, नफ़रत की ऐसी कैफियत दिल के अंदर पैदा होने लगती है। अगर आप चेंजिंग चाहते हैं और हमारा रब दिल के अंदर मोहब्बत डाल दे कुरान की, नमाज की, इबादतों की, बंदगी की, जिक्र अज़कार की, अच्छे लोगों की, तो वो काम का आगाज़ हमें ही करना होगा। जब हम कोई कदम उठाएंगे तो नतीजा रब्बे करीम की तरफ से आएगा। फलम्मा अज़ागु अज़ागल्लाहु कुलूबहुम, जब टेढ़ा रास्ता उन्होंने इख्तियार कर लिया तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया, पहले दिल को नहीं टेढ़ा किया, नतीजा करता है अल्लाह ना। जब वो टेढ़े रास्ते को उन्होंने इख्तियार कर लिया, चुन लिया, चल पड़े करने लगे, तो अल्लाह ने दिल को क्या कर दिया? टेढ़ा कर दिया। ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم, लेकिन जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने लगता है और उस रास्ते पर चल पड़ता है जो हमारा रब चाहता है, तो फिर दिलों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ बैठ जाती है और उसकी मोहब्बत गालिब आ जाती है। ये रब की तरफ से ये नतीजा आता है, लेकिन ये नतीजा बाद में आता है, काम पहले आता है, काम पहले आता। इस काम पर जो शख्स भी फोकस करता है, अब देखिए एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना क्लियर और वाज़े अंदाज में कहा कि जब ऐसी जगहों से गुजरो जहाँ के लोगों को अजाब हुआ है
तो कैसे गुजरो, कैसे गुजरना चाहिए? हाँ, तेज रफ्तार से, और रोते हुए गुजरो, बारकल्लाह, रोते हुए गुजरो। लेकिन अगर रोने की कैफियत ना पैदा हो पाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या करें? हर वक्त तो आदमी ऐसा नहीं बन सकता कि बस रोना स्टार्ट हो जाए, भाई कभी कभार रोने की कैफियत बनती है। अगर ऐसा ना हो पाए फिर क्या करें? आपने कहा फ़ाइल्लम तब को फतबा को, अगर रो नहीं सकते तो रोने की कैफियत तो बना सकते हैं चेहरे पर। देखिए, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि रोने का ताल्लुक दिल से है। दिल से जब ऐसी कैफियत आती है तो जिस्म उसके मुताबिक हो जाता है। दिल में जब दर्द उठती है तो आंखों के रास्ते से बह जाती है। लेकिन अगर ये कैफियत आपके अंदर नहीं है तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आपको ज़बरदस्ती करना ही होगा, कहा जो आप कर सकते वो तो कीजिए। आप चेहरा तो बना सकते हैं, ये आपके इख्तियार में है। जब चाहे चेहरा आप रोने की कैफियत में ला सकते हैं चेहरे को। यही मामला है कि इंसान जिन चीज़ों को नहीं कर सकता उसका पाबंद उसे नहीं किया गया, पर जिन चीज़ों को वो कर सकता है अगर उनको वो कर रहा है तो वो चीज़ें जो नहीं कर सकता है रब्बे करीम यानी दिल के मामले को अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नतीजे को उसके दिलों तक पहुंचाता है। और फिर जब ये सिलसिला अच्छे और भले कामों का, ज़िक्र का, क़ुरान का, सलात का, इंसान की ज़िंदगी में ये सिलसिला जब बंध जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बग़ैर इंसान को चारा नहीं मिलता, उसके बग़ैर उसे सुकून नहीं मिलता। एक कदम और आगे बढ़ कर के या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन, और जब कसरत होती है इन चीज़ों की, सिर्फ फ़राइज़ ही पर इक्तफा नहीं करता, चलो थोड़ा सा आधा सफ़ा एक सफ़ा पढ़ लें और उसके बाद बंद कर दें, बल्कि कसरत जब उसकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती है तो दिल के अंदर की जो गंदगियां हैं वो थोड़ी होती हैं और जो अच्छाइयां हैं वो छा जाती हैं, दिल को ऊपर गालिब आ जाती हैं, यानी वहाँ दोनों का टकराव होता है। अच्छाइयों ने भी डेरा जमाया हुआ है और बुराइयों ने भी। अल्लाह ने कहा कोशिश करो फतेह हो जाए अच्छाइयों की, ये आप ही कर सकते हो। तो जितनी आप मेहनत कर ले रहे हैं, जितनी आप कोशिश आज कर लेंगे और सप्लाई करेंगे ये माल, उतने ही बड़ी मकदार में उस दिल के अंदर ये पूरा ज़खीरा जमा हो करके और बुराइयों को क्या करेगा? दबा देगा। और जहाँ अच्छाइयाँ होंगी वहाँ अच्छाइयों के आसार उसके बदन पर, उसके चेहरे पर, उसके अमल में, उसकी ज़िंदगी में, जैसा कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा इन्ना लिलहसनति ज़ियाअन फिल वज्ह व नूरन फिल क़ल्ब, चेहरे पे रोशनी होगी, दिल के अंदर नूर होगा, चेहरा मुनव्वर हो जाएगा, दिल रोशन हो जाएगा। ये कहाँ से है? क्योंकि दिल के अंदर अच्छाइयाँ छा गई हैं, अच्छाइयों का गलबा हो गया है, बुराइयों को उसने शिकस्त दे दी है, उनको दबा दिया है, उनको कुचल दिया है, और अक्सर हिस्से पर इन्हीं का कब्ज़ा है। अल्लाह करे हमारे पूरे दिलों पर अच्छाइयों का कब्ज़ा हो जाए, होना चाहिए कि नहीं? जिसका कब्ज़ा है असर उसी का रहेगा, हुकूमत उसी की रहेगी, हुक्म उसी का चलेगा, दूसरे का हुक्म नहीं चलने वाला, ये जान लीजिए। कान फिर कुछ नहीं कर सकते, ज़ुबान फिर कुछ नहीं कर सकती, जो आर्डर अंदर से आएगा बाहर वही फॉलो होगा। इसीलिए कसरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करते थे, करते थे कि नहीं? कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे ताकि शिकस्त दिया जा सके, उनको मिटाया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके।
लेकिन ये इंसान इतने गुनाह करता है, इतनी गंदगी अपने अंदर लाता है और मिटाने वाली चीज़ों को इतना कम कर देता है कि उसकी ज़ुबान पर भोले से भी इस्तग़फ़ार नहीं आता कि अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। ये चीज़ उसके अंदर बड़ी मुश्किल से पैदा होती है। तो उसी का ये नतीजा है जो इन आयात के अंदर अल्लाह ने जिक्र किया है, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। ये कैफियत हो गई है अंदर कि वो अच्छी चीज़ वहाँ ना ठहरती है और ना वो इस काबिल होते हैं कि सही और गलत के दरमियान कोई डिसीज़न और फैसला ले सकें। नतीजा साफ है, बदामालियाँ उनकी ज़िंदगी के अंदर बढ़ती चली जाएंगी और फिर उनका ठिकाना क्या होगा, जो अल्लाह ने शुरू में कहा है आखिर में भी वही नतीजा निकलने वाला है। यह है हकीकत एक इंसानी ज़िंदगी की। जो लोग रब की इताअत और बंदगी के रास्ते पर कायम हैं और वो जो रब की इताअत और बंदगी के रास्ते से दूर हैं, इन्होंने अपने दिलो दिमाग पर किसका कब्ज़ा रखा हुआ है, ये हर शख्स के अमल और उसकी चाहत के ऊपर अल्लाह ने छोड़ दिया है। दुनिया में मुकम्मल हर एक को इख्तियार दे दिया है और उसको हर तरह की ताकत से नवाजा हुआ है। आप जो चाहें इनमें से इख्तियार कर लें। जानवर रहते हैं, वो अपने मालिक का कहा मान देते हैं, पर ये इंसान जानवर के दर्जे से भी नीचे जब जाता है तो मालिक को ज़र्रा बराबर भी, जिसने पैदा किया, जिसने रोज़ी दिया, जिसने सेहत दिया, जिसने हमारे लिए घर दिया, जिसने हमारे लिए खाना और कपड़े दिए, जिसने सब कुछ हमें दिया, उसकी बात मानने और सुनने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं होता कि थोड़ी देर के लिए 24 घंटे में कुछ देर मोबाइल स्पीकर पर लगा करके पूरे घर के अंदर तिलावत की बहार और उसका समा घर के अंदर गूंज जाए और घर ईमानियात से लबरेज हो जाए, ये इजाज़त उसको मिल ही नहीं पाती। कोई वक्त ऐसा बन ही नहीं पाता कि चलो कुछ देर के लिए सही, सुबह के अवकात में, शाम के अवकात में, कुछ अवकात ऐसे रहें कि जिसमें घर को जो पढ़ने वाले हैं वो भी, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी, हर शख्स उससे फ़ायदा उठा सके, कुछ तो ऐसा करें। तो अगर ऐसा करता है तो यकीनन अपने रब का वफादार है और वो आला दर्जे की ईमान वाला शख्स है। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए जन्नत रखी हुई है, अल्लाह हम सबको उन्हीं में से बनाए। और अगर उससे दूर हटता है तो दूर हटने वालों का ये अंजाम है जो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और सीखने के जो रास्ते अल्लाह ने हमें दिए हुए हैं, इन रास्तों से चाहें तो आप शर दिल तक मुंतकिल करें, बुराइयाँ इनके ज़रिए से दिल तक मुंतकिल करें, और चाहें तो अच्छाइयाँ और ख़ूबियाँ इनके रास्ते से हम दिलों तक सप्लाई करें। ये हमारे इख्तियार पे है। अल्लाह हमें हुस्न इंतखाब की तौफीक अता फरमाए, बेहतरीन किरदार वाला बनाए, अच्छे काम वाला बनने की तौफीक अता फरमाए और इसी पर हम सब का आत्मा फरमाए। सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद वअला आलिही वसहबी अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।